दोस्तों, अगर आपको एक मिनट के लिए सहारा रेगिस्तान के बारे में सोचने के लिए कहा जाए तो आपके दिमाग में क्या तस्वीर बनेगी? शायद आपके दिमाग में एक ऐसी भूमि की तस्वीर बनेगी जो रेत के टीलों से भरी होगी और हवाओं में धूल उड़ रही होगी। दूर दूर तक पानी का नामो निशान नहीं होगा, साथ ही चिलचिलाती धूप में कुछ ऊंट सफर करते हुए दिखाई दे रहे होंगे, राइट? वैसे आपकी सोच इस जगह के बारे में बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इस समय ये जगह बिल्कुल ऐसी ही है। इस जगह की इतनी कठोर परिस्थितियों के बारे में जानकर कोई भी इंसान यही बोलेगा कि ये जगह इंसानों के रहने के लिए अनुकूल नहीं है। लेकिन एक समय था जब कुछ प्राचीन कलाकृतियां बनाने वाले कलाकारों ने उत्तरी अफ्रीका में एक बिल्कुल अलग सहारा को देखा था। अब आपके मन में सवाल होगा कि वो सहारा कैसा दिखाई पड़ता था। देखिए, जैसे कि आप सभी को पता होगा, कलाकार उसी चीज को दर्शाते हैं जो चीजें उनके इर्द गिर्द होती है। इसी तरह प्राचीन समय में लोग जो कल्पना करते थे उस दृश्य को पत्थरों पर उतार देते थे। दोस्तों, 12,000 साल पहले बनी कुछ आकृतियां सहारा रेगिस्तान के पत्थरों पर मिली और ये आकृतियां आज के समय से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि इन आकृतियों में ऐसे जानवर मौजूद थे जो इस समय सहारा रेगिस्तान में मौजूद नहीं है, जैसे कि हिप्पो, जिराफ और अन्य ऐसी प्रजातियां जो घास वाली जगह में पानी के नजदीक रहना पसंद करती है। इसके साथ इन पत्थरों पर चरने वाले जानवरों की तस्वीरें भी थी, जैसे कि भेड़ और गायें। जो मैमल्स इन पत्थरों पर दर्शाए गए थे, ये मैमल्स आज के समय में दक्षिणी या मध्य अफ्रीका में देखने को मिलते हैं। इनमें से एक भी आप आज के सहारा में नहीं ढूंढ पाओगे। लेकिन अगर बात करें इन पत्थरों पर बनी आकृतियों की, तो ये पश्चिमी सहारा से लेकर सऊदी अरेबिया तक हर जगह मिली है। दोस्तों, कलाकारों द्वारा बनाई गई ये आकृतियां बिल्कुल एक्यूरेट थी और इनके बनाने के ढंग को देखकर पता चलता है कि इन्हें बनाने वाले कलाकार इन जानवरों के कितने करीब रहे होंगे। ये कलाकार हिप्पो और जिराफ के बारे में इस तरह जानकारी रखते थे जैसे कि ये जानवर इनके आसपास ही रहते हो। तो दोस्तों, इन सभी चीजों को देखकर इसका मतलब ये निकलता है कि हजारों साल पहले सहारा का क्लाइमेट बिल्कुल अलग रहा होगा। और जब मैं सहारा के क्लाइमेट के अलग होने की बात कर रहा हूँ, तो आप इसका मतलब ये मत समझना कि जो बारिश की बूंदें पड़ने की वजह से कुछ हरियाली आती है, मैं उसकी बात करूंगा, बल्कि मैं बात करूंगा सहारा रेगिस्तान के उस वातावरण के बारे में जिसमें इंसान इस रेगिस्तान के बीचों बीच अपना घर बनाकर रहते थे और जानवरों को पालते थे। दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग जो यहाँ पत्थरों पर चित्र बनाते थे, उन्होंने इस जगह के इकोलॉजिकल बदलाव का रिकॉर्ड चित्र बनाकर सुरक्षित रखा। लेकिन उनके इन चित्रों में इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि इस जगह का वातावरण किस वजह से इतना बदल गया जिसकी वजह से पूरी जगह रेगिस्तान में बदल गई। इस वातावरण के इतना बदलने के पीछे क्या कारण रहे थे, इस बात का पता अलग अलग फील्ड में काम करने वाले शोधकर्ताओं ने हजारों साल बाद लगाया। जैसे कि जियोलॉजी के शोधकर्ताओं ने इसके रेगिस्तान बनने का सबूत सबसे पहले ढूंढा था, लेकिन उन्हें ये सबूत सहारा में नहीं मिला था, बल्कि अटलांटिक ओशन के तल से मिला था। आर्कियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने सहारे से ऐसी बस्तियां होने के सबूत ढूंढ निकाले जो काम काज करने में माहिर थी, और ऐसे शोधकर्ता जो पुराने क्लाइमेट को समझने में रुचि रखते हैं, उन्होंने हमारे ग्रह की गति से उन सभी अजीब बदलाव का पता लगाया जिन्होंने इस जगह को रेगिस्तान में बदल दिया। दोस्तों, जब इन सभी सबूतों को जोड़ा जाएगा तो हमें सहारा रेगिस्तान की वो तस्वीर मिलेगी जब सहारा रेगिस्तान हरा भरा हुआ करता था। तो फिर क्या है सहारा रेगिस्तान के हरा भरा होने की स्टोरी, जानेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। साल 1800 के मध्य में एक जर्मन एक्सप्लोरर सहारा को क्रॉस कर रहे थे। इस जगह को क्रॉस करते वक्त उनके सामने होलोसीन युग के लोगों द्वारा बनाई गई कुछ पेंटिंग्स आई। इन पेंटिंग्स को देखकर वो चकित रह गए, क्योंकि पत्थरों पर बनी पेंटिंग्स यहाँ के रेगिस्तान से मैच नहीं कर रही थी। साल 1800 के बाद से आज के समय के भूवैज्ञानिकों ने बहुत सारे सबूत जोड़ने के बाद कन्फर्म किया कि प्राचीन लोग पत्थरों पर क्या दिखाना चाहते थे। वो दिखाना चाहते थे कि एक समय था जब उत्तरी अफ्रीका बहुत ज्यादा गीला हुआ करता था। इसके गीला होने की शुरुआत 15,000 साल से लेकर 11,000 साल पहले हुई थी और 5,000 साल पहले ये सूखना शुरू हो गया। जिस समय अंतराल में सहारा रेगिस्तान गीला हुआ करता था, उस समय अंतराल को भूवैज्ञानिक अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड कहते हैं, और इसके अलावा इसे ग्रीन सहारा के नाम से भी जाना जाता है।
दोस्तों, ग्रीन सहारा के सबसे अच्छे सबूतों में से एक हिस्सा मेडिटेरेनिया के समुद्री तट से गहरे पानी में मिला। देखिए, भूवैज्ञानिकों ने समुद्र के भीतर से उस मिट्टी और रेत का सैंपल लेकर अध्ययन किया जो सहारा से उड़कर समुद्र में जाकर गिरती है। इस घटना को सहारन डस्ट फ्लक्स कहा जाता है। इसी चीज को देखते हुए भूवैज्ञानिकों ने समझा कि यदि सहारा से उड़कर ज्यादा डस्ट समुद्र में गिरती है तो इसका मतलब होगा ये जगह ज्यादा खुश्क होगी और यहाँ पर कम हरियाली होगी। इसी चीज के उलट अगर कम डस्ट होगी तो इसका मतलब ये जगह ज्यादा नम होगी और यहाँ पर हरियाली भी ज्यादा होगी। 200 समुद्र के भीतरी कोर से ली गई इस मिट्टी से शोधकर्ताओं ने जाना, सहारा रेगिस्तान में ह्यूमिड पीरियड के दौरान आज के मुकाबले आधी रेत थी और इस बात की पुष्टि सहारा से मिले एक प्राचीन पोलन से भी की गई है। अब आपके मन में सवाल होगा कि पोलन क्या होता है। देखिए, ये क्लाइमेट को पता लगाने का एक तरीका है और ये तरीका कुछ इस तरह से काम करता है। जब हवा की वजह से फूलों के अंदर से बीज झड़ जाते हैं तो वो बीज उस जगह की मिट्टी में मिल जाते हैं और पाउडर की फॉर्म में तब्दील हो जाते हैं। इस घटना को पोलन कहा जाता है। सहारा रेगिस्तान में मिले उस पोलन में उसी तरह की मिट्टी फंसी हुई मिली जैसी मिट्टी समुद्र के नीचे से कलेक्ट की गई थी। अब दोस्तों, दोनों जगहों से ये जो मिट्टी पाई गई है, इस मिट्टी में सामान्य घास और पानी के किनारे उगने वाली लंबी पत्तियों की घास आसानी से उग जाती है। इसी के साथ ये मिट्टी रेगिस्तान में उगने वाले पौधों को उगने नहीं देती, जैसे कि रेगिस्तान में उगने वाला ईफेड्रा का पौधा। ये सारी चीजें सहारा में उस समय मौजूद थी जब ये नम हुआ करता था। तो इन सब चीजों को देखते हुए शोधकर्ताओं का कहना है, जिस जगह आज के समय सहारा रेगिस्तान है वो पूरी जगह वनस्पति से भरी हुई थी और ये वनस्पति अरेबियन उपद्वीप तक फैली हुई थी। अब सवाल ये है कि वो कौन सी चीज थी जिसने इस हरे रंग की दुनिया को गर्म रेगिस्तान में बदल दिया। दरअसल इस जगह के नम होने की वजह ग्रहों का पैमाना था। देखिए, अगर ह्यूमिड पीरियड के शुरुआती समय की बात करें तो हमारी धरती के ऑर्बिट और झुकाव की वजह से चक्रीय परिवर्तन हुए और इन परिवर्तनों की वजह से आज की तुलना में धरती पर उस समय 4-8% अधिक ऊर्जा पहुंचती थी। इस ऊर्जा की वजह से उत्तरी हेमिस्फीयर गर्म हो गया और जब कोई हेमिस्फीयर गर्म हो जाता है तो तेज हवाएं उसकी तरफ बढ़ने लगती है जिसकी वजह से बहुत अधिक बारिश शुरू हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्म क्षेत्रों में हवा ऊपर की ओर उठती है, हवा के साथ नमी खींचकर एटमॉस्फेयर में चली जाती है और इस साइकिल को अफ्रीकन मॉनसून कहा गया है। क्योंकि उत्तरी अफ्रीका को ज्यादा सोलर एनर्जी मिल रही थी इसलिए गर्मियां सामान्य से और अधिक गर्म और लंबी हो गई थी, तो इसकी वजह से अफ्रीकन समर मॉनसून को मजबूती मिली और ये उत्तर की ओर से सहारा रेगिस्तान में आगे बढ़ गया। इसके बाद जैसे जैसे वनस्पति बढ़ती गई तो पौधों ने खाली रेत की तुलना में नमी को ज्यादा बेहतर बनाए रखा। दूसरी चीज, वनस्पति की वजह से रेगिस्तान की चमक कम हो गई और इस चीज के कारण सोलर रेडिएशन सही अनुपात में रिफ्लेक्ट होने लगी। इस घटना की वजह से उत्तरी हेमिस्फीयर को गर्म और नम रहने में मदद मिली। दोस्तों, इस समय अंतराल में सहारा रेगिस्तान इतना गीला हो गया था, अब वहां झीलों के रूप में पानी के भंडार बन गए और इस चीज की पुष्टि हाल ही में हुई कुछ खोजों से हुई है। ये खोजें हमें बताती है कि सहारा रेगिस्तान में पानी की झीलों के साथ दलदल वाली जगहें भी भरपूर मात्रा में थी जिसकी वजह से यहाँ नेचुरल बेसिन फॉर्म हो गए। इनमें से कुछ झीलें इतनी बड़ी थी वो अपनी पुरानी तट रेखाओं के निशान पीछे छोड़ गई और ये रेखाएं हमें बताती है इन झीलों में से एक का आकार बहुत बड़ा हुआ करता था जो 160 मीटर गहरी और 340,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई थी। ये आकार इतना बड़ा है जितना सभी बड़ी झीलों के जोड़ने पर भी नहीं होता। दूसरी चीज, इस झील के स्तर का पता इस जगह पर बनी रॉक आर्ट से भी चलता है क्योंकि जो तस्वीरें यहाँ के पत्थरों पर बनी हुई मिली वो तस्वीरें उस समय के लोगों ने झीलों की तट रेखाओं से ऊपर बना रखी थी। तो उस समय के कलाकारों की वजह से हमें एक और निशानी मिल गई जो हमें बताती है इस झील में पानी कितना हुआ करता था या फिर कहे ये कितनी गहरी थी। उस समय इस जगह का वातावरण बहुत सारे उन जानवरों और पेड़ पौधों का घर हुआ करता था जो आज हमें रेगिस्तान में नहीं बल्कि मैदानों में देखने को मिलते हैं। ये जानवर इस रेगिस्तान में अपनी छोटी बड़ी दोनों तरह की हड्डियां छोड़ गए और ये हड्डियां सहारा रेगिस्तान की सबसे सूखी जगह से भी मिली है। जैसे कि अगर हम टेनेरे डेजर्ट को ले जो दक्षिणी सहारा का हिस्सा है,
आज के समय में इस जगह को रेगिस्तान के भीतर रेगिस्तान कहा जाता है, लेकिन आर्कियोलॉजी के शोधकर्ताओं को सबूत मिले हैं ह्यूमिड पीरियड के दौरान हरियाली इस जगह तक फैली हुई थी। जिस जगह पर यह डेजर्ट है उस जगह से एक झील के निशान मिले हैं और ये झील मगरमच्छों, हिप्पो और कछुओं के साथ विशाल नाइल पेर्च से भरी हुई थी। दोस्तों, झीलों के साथ साथ पूरे सहारा में नदियां भी फैली हुई थी। अल्जीरिया और लीबिया में खोजकर्ताओं को नदियों के भंडार और उस जगह पर इंसानों के होने के सबूत मिले हैं, जैसे कि नदियों के किनारे पुराने फिश हुक पाए गए हैं। और आज के समय में जो नाइल और नाइजर नदी है ये दोनों तेजी से बहने लग गई थी। इन नदियों के मार्गों ने मध्य सागर को अटलांटिक और भूमध्य सागर से जोड़ रखा था। इस चीज की वजह से इंसानों द्वारा पाले गए जानवर और जंगली जानवरों को प्रवास करने में मदद मिली। आर्कियोलॉजी के शोधकर्ताओं ने पाया पुराने लोगों की बस्तियों ने इस हरे भरे सहारा का भरपूर फायदा उठाया। जहां इस समय रेत दिखाई देती है, पहले वहां जल धाराएं बहती थी और इन जल धाराओं के किनारे अंगीठियां, पीसने के पत्थर, शिकार करने वाले औजार और मछलियों की हड्डियों के ढेर मिले। इसके अलावा खोजकर्ता इस जगह से प्राप्त हुई कार्बनिक चीजों की कार्बन डेटिंग करने में भी कामयाब हुए, जैसे कि टोकरियां, जिससे हमें पता लगता है कि पूरे सहारा में मानव आबादी 9000 साल से लेकर 5000 साल पहले पीक पर थी। और आर्कियोलॉजी के सबूतों के अलावा आज के समय में अफ्रीका के कल्चर में अफ्रीकी ह्यूमिड पीरियड की कुछ झलक देखने को मिलती है। अगर उदाहरण के तौर पर वेस्टर्न अफ्रीका की माली भाषा और ईस्टर्न अफ्रीका में इथियोपिया की भाषा को लिया जाए तो अब ये एक दूसरे से बहुत अलग है, लेकिन इन दोनों भाषाओं में हिप्पो के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द एक ही है। इस चीज को देखते हुए कुछ भाषा के विद्वानों का मानना है कि हो सकता है इन संस्कृतियों के लोग कभी हिप्पो के बीच एक साथ रहे होंगे। तो दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि एक समय के बाद सहारा रेतीले रेगिस्तान में बदल गया, पर पत्थरों पर पेंटिंग करने वाले कलाकारों ने पेंटिंग करना नहीं छोड़ा। इनकी चित्रकला में नदियां और झीलें सूखने लगी, नए जानवर आने लगे, इस जगह का इकोसिस्टम हरे घास के मैदानों से रेत में बदल गया। पुराने समय की जलवायु के खोजकर्ताओं ने समुद्र से निकली उसी गाद का उपयोग किया जिससे हमें पता लगा था कि सहारा हरा भरा होना कब शुरू हुआ था, और इसी गाद का उपयोग करके ये पता लगाया गया कि ये समाप्त कब हुआ। धूल के रिकॉर्ड हमें बताते हैं 5,500 साल पहले नमी में अचानक कमी आई थी और ह्यूमिड पीरियड कुछ सदियों में ही समाप्त हो गया। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि एक बार फिर धरती की कक्षा ने स्थान बदल लिया था, जिसके कारण आने वाली सोलर एनर्जी में गिरावट आई और उत्तरी हेमिस्फीयर ठंडा हो गया। इस चीज ने मॉनसून को दोबारा से साउथ में पुश कर दिया, लगभग ऐसे जैसे आज के समय में सहारा में देखने को मिलता है। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड से पता चलता है कि सहारा में रहने वाले लोगों ने पहले उत्तरी स्थानों को छोड़ दिया और इसके बाद दक्षिण में अन्य स्थानों को छोड़ दिया। जब इस काल की समाप्ति हो गई तो लोग नाइल और अन्य जल स्रोतों के पास चले गए और सहारा वैसा हो गया जैसा इसे हम आज देखते हैं। तो हमें धन्यवाद देना चाहिए उन लोगों को जिनकी पत्थरों पर बनी तस्वीरों की मदद से आज के समय के वैज्ञानिकों ने इस जगह के क्लाइमेट को समझा और साथ ही ये भी समझा कि ये घटना ज्यादा समय पहले नहीं हुई थी। लेकिन क्या हमें इस जगह के भविष्य में चेंज होने वाले क्लाइमेट के बारे में भी जानकारी है? क्या ऐसा फिर से होने की संभावना है? शायद हाँ, क्योंकि जिस समय अंतराल को हम अफ्रीकन ह्यूमिड पीरियड कह रहे हैं वो पिछले 800,000 सालों में 230 बार ग्रीन हुए सहारा रेगिस्तान में सबसे ताजा है। हो सकता है सहारा को ग्रीन होने में हजारों साल लगे, पर ये याद रखा जाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं जब सहारा दोबारा से हरा भरा होगा तो भविष्य के कलाकार उस बदलते नजारे को कैद कर लेंगे, लेकिन इस बार पत्थरों पर नहीं बल्कि किसी और चीज पर। लेकिन आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका मैसेज सेम होगा, और ये मैसेज होगा हमारे आसपास की दुनिया हमेशा से बदलती रहती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।